कोई कमी नहीं, अरे कोई तो होगी, कुछ नहीं होगी भाई, अरे कोई नहीं है, कोई कमी नहीं, बेइज्जती हो गई। हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख रहे हो i20, थंबनेल पे तो लिखा है ओनरशिप, नहीं ओनर है साथ में, निहाल भाई हैं, इसके ओनर हैं, ठीक है। तो आज इस गाड़ी के बारे में हम जो है सारी जानकारी लेने वाले हैं निहाल भाई से, ठीक। और ये भी पूछेंगे कि और कौन सी गाड़ियाँ इन्होंने देखी, और अगर हम प्रीमियम हैचबैक में जाते हैं, ठीक, जैसे कि i20 है, ठीक, तो प्रीमियम हैचबैक में और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए, ठीक, क्योंकि बहुत लोग मना कर देते हैं, तो उस चीज़ से आपने हट के आपने हाँ बोला, ये चीज़ अच्छी लगी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बताइए इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी आपने कब परचेज़ की थी? ये गाड़ी मैंने अप्रैल में ली थी। अप्रैल में? हाँ, अगले साल, पिछले साल। हाँ हाँ, तो कितने की पड़ी थी? 11 लाख की पड़ी थी मेरे को। तो 11 लाख की पड़ी जी। तो 11 लाख के जब आप खर्च कर रहे थे, इसमें वेटिंग आपको मिली थी कि नहीं? आपने तुरंत जाके मिल गई? वेट करना ही नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, तुरंत गाड़ी मिल गई। और उस समय नहीं आई थी? उस समय नहीं आई थी ना, किसी के पास थी नहीं। ये चीज़ अच्छी है, मतलब वेट नहीं करना पड़ा, तो ये अच्छा लगा कि मतलब वेट नहीं करना पड़ा, आपको तुरंत गाड़ी मिल गई। तो उस समय फील कैसा होगा, मतलब वेटिंग नहीं करनी पड़ी या मजा आ गई, मतलब कोई टेंशन ही नहीं उस चीज़ के मामले में? बिल्कुल अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, बात करें अगर जब ये हुआ कि हैचबैक लेनी है, ठीक, i20 है, बलिनो भी आती है, हाँ, अल्ट्रोज भी है, ठीक, और हैचबैक में और भी आ जाती है, ग्रैंड आइटनी आ जाती है इसकी, तो ये सब गाड़ियाँ आपने चलाई? सब चलाई। तो क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या एस्पेक्ट आप देख रहे थे कि हमको इस गाड़ी में एक गाड़ी में होना चाहिए? इसमें स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, पहली बार कंफर्टेबल बहुत है, ठीक। चलाई मैंने बहुत सी गाड़ी थी, मतलब कोई अच्छी नहीं लगी मेरे को। अच्छा अच्छा, उस पैसे में ये बहुत अच्छी गाड़ी मेरे। और इसमें बहुत स्पेस है। हाँ, स्पेस तो अच्छा है। बहुत अच्छा है, स्पेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी कंट्रोलिंग भी अच्छी है, बैलेंसिंग बहुत अच्छी इसकी। अच्छा, तो अगर बात करें, आप अल्ट्रोज भी देख रहे थे, है ना, तो अल्ट्रोज को ना लेने का कोई एक रीज़न बता दीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि आप क्या बोलोगे, लेकिन जो है फिर भी एक बार आप खुद बता दीजिए अपने मुँह से। स्पेस नहीं, पहली बात। अच्छा, ठीक है। और ये गेट जो लॉक अनलॉक करो ना, हाँ, उसका वेटेड बहुत है उसका। हाँ हाँ, ये बहुत कंफर्टेबल है, ये हल्की है। हाँ, बंद बहुत है, बहुत हल्की गाड़ी है। हाँ, और एक चीज़ और, उसका इंजन। हाँ, इंजन बहुत ही अजीब सा है। हाँ, उसका सही, सही, सही। तो इसका जो है थोड़ा सा अच्छा, हाँ, लगता है, पिकअप अच्छा है इसका, उसका उसका बिल्कुल मतलब धीरे से उठती है वो, धीरे वो आराम प्रेमी लोगों के लिए है, जो आराम से चलाने वाले, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है कि बिल्कुल भगाए धुआंधार, सही सही, तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, बलिनो देखी? बलिनो में चलाई है। तो बलिनो जो बलिनो चलाई, तो बलिनो तो इससे भी हल्की है। हाँ, तो उसका तो पिकअप और ज़्यादा होगा। बैलेंसिंग नहीं है, मतलब पत्ता नहीं लगती। हाँ, पत्ता जाएगी वो गाड़ी 150 के बाद। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, पत्ता आएगी। इसको आप कितना लेके गए, कितनी टॉप स्पीड? 170 तक भाई मैंने। 170, बहुत अच्छी। कोई भी बैलेंस कुछ नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस रहा। हाँ हाँ, सीसे लॉक, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, जैसे बात करते हैं हिंडाई का इंजन है, ठीक है, कितनी चला दी अभी तक कितनी चल गई गाड़ी? अरे चल गई तो 15,000। 15,000 चल गई? तो सर्विस हुई है? सर्विस कितनी हो गई है? दो ही थी सर्विस। दो सर्विस, तो अभी तक कुछ पैसा पे करना पड़ा सर्विस में? अभी कुछ नहीं, अभी सब पैसा ऐसे ही चल रहा है, फ्री सर्विस है, तो वो कोई भी पैसा नहीं लगा। अच्छा, हिंडाई की चेंज के पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, तो कितने उसमें कितना लगा था? मिनिमम 3,000-4,000। 3,000-4,000, ठीक है, सही है इस गाड़ी के हिसाब से, मतलब हाँ, ये सही चीज़ें होती रहती हैं, बाकी सब फ्री है। ओके, अभी तो खैर सही है, अभी और चले। अच्छा कंफर्टेबल थी। अच्छा अच्छा, मतलब मेन चलाने का मज़ा था। हाँ, और जो है, होता है। अच्छा, वेन्यू आप रखे हो शार्प है? हाँ हाँ, बिल्कुल निकलते हुए निकलती है। ओके, वो गाड़ी बिल्कुल सीधा भागती है, बिल्कुल चीरते हुए निकलती है सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसमें एक तरीके से कहा जाए तो भगाने में इसमें ज़्यादा अच्छा है ना, वेन्यू जो है थोड़ा सा बिल्कुल भागने में गड़बड़ है। अच्छा, वो ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस तो है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अभी याद आया, ठीक है, इसकी भी कम है हैचबैक के हिसाब से, ठीक, तो कैसा लगता है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कहीं लड़ी है नीचे से, कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ी, कोई लड़ भी जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा,
मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पांच लोगों को, जैसे पांच फाइव सीटर है, इसमें लगभग कितने लोगों को बिठाया है? मिनिमम छः लोगों को बैठा लोगे, छः लोग कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मतलब आपके जैसे अगर हैं तो छः लोग आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके अच्छा अब बात करते हैं जैसे इसके परफॉर्मेंस में, ठीक क्लच कैसा लगा? लाइट है, प्यारा है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा हाँ अच्छा भागने पे आते हैं, जैसे जब भगा तो आप रहे हो, अचानक से मान लो ब्रेक मारना पड़े, कॉन्फिडेंस रहता है कि ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएगी? मैं ट्राई किया हुआ। अच्छा तो कैसा उस समय कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब रुकी कि क्या, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे गई? कुछ नहीं बस स्टॉप तो वही जगह जाके हम बिल्कुल प्यार से स्टॉप। अच्छा अच्छा मतलब ब्रेकिंग अच्छी नहीं है? हाँ मतलब ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग अच्छी पड़ती है। अरे दादा ड्रिफ्ट हाँ मार तो रहे थे अभी यार। अच्छा तो ड्रिफ्ट मारने में, ड्रिफ्ट मारते हैं बढ़िया, मज़ा आती है ड्रिफ्ट मारने में। अच्छा तो जैसे बात करते हैं 16 इंची का टायर आता है, ठीक है तो इसमें अलॉय व्हील तो है नहीं, स्टील स्टाइल व्हील है, व्हील कवर है, तो इसमें व्हील्स लगवाने का है सोचा है कि इसमें लगवाएंगे कि नहीं? हाँ वैसे तो अलॉय व्हील है तो मतलब व्हील से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे बात करते अभी आपने इतनी चला ली, ठीक रात में भी चलाई होगी है ना, रात में इसके लाइट का थोड़ा लाइट आपने अपग्रेड कराई है कि अभी वही स्टॉक चल रही है? जैसी थी वैसी है। अच्छा तो लाइट का थ्रो कैसा लगा? बहुत प्यारा, मतलब दिखता है रात में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा तो लाइट को अगर नंबर देना हो आपको इसको 10 में तो कितना नंबर दोगे? 10 में 10 कोई टेंशन नहीं, 10 में 10 दे दूंगा। अच्छा अच्छा अब बात करते हैं इसमें क्या चीज़ें आपको लगा कि अच्छी हैं, जो प्राइस आपने पे किया तो क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी? कंफर्ट और स्पेस के अलावा बताइए, फीचर्स में बताइए। एसी एक ग्रेट नहीं है। अच्छा एसी बढ़िया है, म्यूजिक सिस्टम बड़ा अच्छा है, हाँ स्क्रीन है, हाँ इसे लॉक अनलॉक वाले ये सब अच्छा लगने लगता है। अच्छा मतलब ऑटो फोल्डेबल वाला, हाँ अच्छा अगर अब स्क्रीन है इसमें, टच स्क्रीन है, स्क्रीन का रिस्पांस कैसा, लैग तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब स्मूथ चलता है, बिल्कुल स्मूथ, बहुत क्लियरिटी है। अच्छा क्लियर है, बहुत क्लियर। ओके कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी भी ग्रेड की है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, सब एक ग्रेड है, मतलब गाड़ी में मज़ेदार गाड़ी, मज़ेदार गाड़ी है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कमी की, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई कमी होती है हर गाड़ी में, इस गाड़ी में क्या कमी लगी आपको कि वो कुछ नहीं लगी? कुछ नहीं लगी, कोई कमी? अरे कोई तो होगी, कोई कमी नहीं, अरे कोई तो होगी, कुछ नहीं होगी भाई, अरे कोई नहीं है, कोई कमी नहीं, बेइज्जती हो गई इस गाड़ी में, कोई कमी नहीं। अरे वाह सक्सेस गाड़ी है। हाँ i20 का तो खैर नाम है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में बहुत ही यही है। अच्छा मैं राजस्थान लेके गया हुआ हूँ, बहुत वहाँ पे सबसे ज्यादा i20 स्पोर्ट्स, एक तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें, आइडेंटिटी स्पोर्ट बहुत हो गए, लखनऊ में भी बहुत हो गए, ये सब बड़े शहर हैं, जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आइडेंटिटी स्पोर्ट बहुत गाड़ियाँ निकल रही हैं। अच्छा अच्छा वरना चलाई दी? वरना भी चला चुके हैं। तो वरना में और इसमें क्या डिफरेंस लगा? वरना भी अच्छी गाड़ी है, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस तो उसकी भी बिल्कुल सेम है, बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिक चलाई है मैंने, बहुत प्यारी चलती है। अच्छा उसका भी बहुत ही क्लियर है, सब कुछ क्लियर है उसका। अच्छा अगर अब किसी को लेनी हो i20 स्पोर्ट्स, आज के टाइम में 12 लाख का बजट है जी, i20 कहोगे कि 12 लाख में आप और कोई गाड़ी देख लीजिए, हो सकता है उससे इससे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छी गाड़ी मिले, यही अच्छी गाड़ी है, आप लगाओगे तो फ्यूचर और मिलेंगे फीचर सब, हाँ इसमें फीचर एक बढ़ ही रहे घट नहीं रहे, अच्छा ऐसा बढ़ेगा फीचर्स बढ़े जाएंगे। हाँ तो इसका टॉप मॉडल पता किया था कितने का था उस समय जब आपने ली थी? जब लिया था तो 13 लाख के पास आ रहा था, 13 लाख के पास, हाँ हाँ 13 लाख, हाँ 13 लाख, ओहो कॉस्टली है मतलब, से एनलाइन आ रही थी, हाँ फिर स्पोर्ट्स पे आके मैं टिक टिक गया, उसमें इतने मिल जा रहे मेरे को, सनरूफ से मतलब नहीं मेरे को, सनरूफ इंडिया में यूज़ भी किया है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ फ़ोन गर्म हो रहा है, इंसान गर्म हो रहा है, तो गाड़ी कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ओके तो अब सर्विस की बात करते हैं, सर्विस गाड़ी का जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, अच्छा ख़राब जो भी है, वैसे तो अच्छा ही रहा है, ख़राब तो कुछ रहा नहीं है ना, चलाने में बाकी सारी चीज़ें, आउट ऑफ 10 सारी एस्पेक्ट को देख के कितने नंबर दोगे? 10 में 10 ऑफ 10 मतलब कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी। ओके तो किसको रेकमेंड करते हो लेने के लिए, कि अगर कोई अल्ट्रोज लेने जा रहा है उसको ये रेकमेंड करते हो कि मतलब एक बार इसको जरूर चला के देखो है ना? ठीक है तो भैया आप मेरी गाड़ी चलाना अल्ट्रोज, ठीक है तो देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता, अच्छा रहता है कि
मेरी गाड़ी की बेइज्जती हो जाती है, क्या होता है वो देखते हैं। यही था आज का वीडियो, मेरे अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। ईमेल आईडी आ रही होगी, इस ईमेल आईडी पर जाके आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो, आपके पास कौन सी गाड़ी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें आप उस ईमेल पर शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।